दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे प्राचीन ड्रैगन लेकर आया हूँ जिनके बारे में जानकर आज भी लोग डर जाते हैं, जिनको देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बोन क्नेपर ड्रैगन। इस ड्रैगन की चमड़ी काफी मजबूत होती है, जिसके कारण ये मरते हुए ड्रैगन की हड्डियों से खुद के लिए एक कवच बना लेते हैं, जो न केवल आग से बल्कि उन हड्डियों के कवच से भी अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। वहीं कई लोगों की माने तो ये तभी इंसानों पर हमला करते हैं जब उन्हें उनसे डर महसूस हो रहा हो, नहीं तो ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं। स्नेप ट्रैपर ड्रैगन। बताया जाता है कि इस ड्रैगन के किसी भी आम ड्रैगन की तुलना में 4 मुंह होते हैं और हर मुंह पर 4 जबड़े होते हैं, जिसका शिकार अगर उसके एक मुंह से बच भी जाता है तो उसका उसके दूसरे मुंह से बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इसकी गर्दन से लेकर इसकी पूंछ पर आपको नुकीले नाखून देखने को मिल जाएंगे, जो इसको किसी भी तरह के हमले से बचने में मदद करते हैं। हाइडियोस जिपल बेक। 2 मुंह वाले इस ड्रैगन की काफी लंबी गर्दन होती है, वही काफी छोटे पैर भी और उनके साथ छोटे छोटे पंख भी, जो काफी अग्रेसिव ड्रैगन की कैटेगरी में आते हैं, जिन पर काबू पाना काफी मुश्किल काम होता है। बताया जाता है कि ये ड्रैगन अपने एक मुंह से आग और दूसरे से गैस छोड़ता है, जिससे इसके शिकार का बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्रिम्सन गोरे गटर। अपने बड़े आकार और ताकतवर सिंगों की मदद से ये ड्रैगन किसी भी चीज को आराम से तोड़ सकता है जो अपने मुंह से आग नहीं बल्कि लावा छोड़ता है, लेकिन इसका नेचर काफी शांत बताया जाता है, जो कभी भी जानबूझकर किसी भी जानवर पर अटैक नहीं करता, लेकिन इसे ना चाहते हुए भी जानवरों का शिकार करना पड़ता है अपनी भूख मिटाने के लिए। रेन कटर। बरसाती दिनों को पसंद करने वाला ये ड्रैगन आपको कभी भी धूप में या फिर गर्मी के मौसम में दिखाई नहीं देता है, जो कि काफी फुर्तीला ड्रैगन है, जो अपने शिकार को देखकर तुरंत उसके नजदीक पहुंच जाता है, जिसके नुकीले दांतों से किसी का भी बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना।